अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज 4 से 5 दिन बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, तो मैंने सोचा कि जल्दी से झटपट और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो जी आज हम बना रहे हैं फ्रूट सैलेड, और आप इसे फ्रूट चाट भी कह सकते हैं, बट ये बहुत मज़ेदार बनती है और हेल्दी भी होती है और बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 कप्स ऑफ मैक्रोनीज और जो मैंने बॉयल कर ली थी थोड़ा सा ऑयल डालकर। और जब ये बॉयल हो गई तो मैंने इन्हें ठंडे पानी से गुजार लिया था ताकि ये आपस में चिपके नहीं। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे कलर्ड सेवइयाँ और ये भी मैंने पानी में सिंपल बॉयल कर ली थी और फिर इन्हें अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था। देन इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 केले जो मैंने रिंग शेप में काट लिए थे। और कोशिश करें फ्रूट आप उसी टाइम काटें जब आप रेसिपी प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं तो वो ब्लैक हो जाते हैं। देन इसमें जाएंगे जी 2 से 3 मैंने लिए हैं सेब, और सेब को कट कर लिया है मैंने छोटे छोटे चंक्स में और वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट बनती है ये। और अब इसमें जी ऐड करेंगे हम कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल मिक्स फ्रूट लिए हैं मैंने और साथ ही इसका जूस भी ऐड किया है, और जूस का टेस्ट बहुत यम आता है, आपने जूस को वेस्ट नहीं करना है। नाउ हम इसमें लेंगे 1 ऑरेंज और उसे बीच में से कट कर लेंगे, तमाम सीड्स जो है हम रिमूव कर लेंगे और उसका जूस हम इसमें ऐड कर देंगे अपने फ्रूट सैलेड में। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अगर आपको ज़्यादा टेस्ट पसंद है ऑरेंज का तो आप पूरा ऑरेंज भी इसमें उसका जूस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब जी इसमें जाएगी चीनी और मैंने आइसिंग शुगर ली है, बिल्कुल चीनी को पीस लेंगे, इसमें साबुत चीनी नहीं जाएगी। ठीक है, हमने चीनी लेके 1/2 कप लिया और उसे ब्लेंड कर लिया है। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून नमक। ठीक है, ये इसके अंदर मसाले जाएंगे। देन फिर इसमें हम 1 कप क्रीम शामिल कर देंगे, पूरा 1 पैकेट जो टेट्रा पैक क्रीम होती है किसी भी ब्रांड की जो आपको पसंद है आप वो ब्रांड की इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 कप मेयोनीज़। मेयोनीज़ और क्रीम आपस में जब मिलके टेस्ट देती हैं बहुत मज़ेदार देती हैं। तो आपके पास जब ये सब चीज़ें रेडी होंगी तो 5 मिनट्स में ये फ्रूट सैलेड रेडी हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है और बनता इतने मज़े का है कि आप जब इसे ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा किसका टेस्ट कैसा है। अब ये सब चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं और अब हमें करना है इसे अच्छे से मिक्स ताकि ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मर्ज हो जाएं। तो जी ये हमने अच्छे से अपने तमाम सैलेड को मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे करते हैं डिश आउट। और डिश आउट करते हुए देखिए बिल्कुल क्रीमी है, वो जो जूस था वो इस सब में अच्छे से शामिल हो गया है, बिल्कुल लिक्विड ही नहीं है, बहुत क्रीमी सा सैलेड बना है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।